मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। उड़ीसा की धान की कटोरा बरगढ़ में उन्होंने आज एक ऐतिहासिक घोषणा किया है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दो दिन पहले कहा गया धान की पर क्विंटल 3100 रूपया में खरीदी होगी। प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ के किसानों को आश्वस्त किया, उड़ीसा के किसानों को आश्वस्त किया कि धान की पर क्विंटल खरीदी 3100 रूपया होगी। ये सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ की जनता के लिए होगी। 10 जून में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी। पहला निर्णय होगा धान की पर क्विंटल की कीमत 3100 रूपया। जून महीने में जो खरीदी होगी उसी को भी 3100 रूपया में खरीद दिया जाएगा। उड़ीसा की चौमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद गारंटी लिया है। उड़ीसा को एक नंबर राज्य बनाने के लिए उन्होंने मोदी गारंटी को जमा किया है। मैं उड़ीसा की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ना केवल गरीबी, उड़ीसा के गांवों में पीने की पानी नहीं है, खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एक तिहाई लोग घर छोड़कर बाहर काम करने जाते हैं। किस प्रकार की शासन प्रणाली उड़ीसा में चला? कोई शासन नहीं चला, अत्याचार चला, अन्याय चला, भ्रष्टाचार चला, लूट राज चला। इसके ऊपर अभी लोगों की नाराजगी है, कड़ी जवाब दी जाएगी। लोगों की मन बन चुकी है, मोदी जी के ऊपर भरोसा अटूट है। 21 का 21 लोकसभा और उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। उड़ीसा में निर्णय कौन करता है, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न उठाया। उड़ीसा में एक गैर प्रजातांत्रिक ताकत मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यवस्था को बहाना बना के सत्ता को पीछे दरवाजे से कब्जा कर लिया है। अभी वो राजनीति को कब्जा करना चाहते पीछे दरवाजे से, इसको विरोध जनता कर रही है। प्रधानमंत्री जी की आज की जनभावना उसकी प्रतिफलन है, उनके प्रश्न में जो उत्तर आया उसके प्रतिफलन है। पीछे की दरवाजा की व्यवस्था को उड़ीसा को मंजूर नहीं है। आखिर महाप्रभु जगन्नाथ जी सारे हिंदुओं की आस्था की केंद्र है, 4.5 करोड़ उड़ियाओं की जिंदगी का अनन्य हिस्सा है। महाप्रभु की रत्न भंडार की चाबी किसने खो दिया, कितने सालों से खो दिया है, उसको क्यों खोला नहीं जा रहे, कोर्ट की ऑर्डर के बावजूद क्यों पैंतराबाजी किया जा रहा है, किसको संरक्षण देने के लिए यहाँ के शासन चाहता है, कौन उसकी गुनहगार है? भारतीय जनता पार्टी उसको मांग करता है। प्रधानमंत्री जी उस मांग को आज दोहराया है। बीजेपी सरकार होने से पहला काम किया जाएगा, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के सबके सामने रत्न भंडार को खोला जाएगा, उड़िया जनता को महाप्रभु की सारे संपत्ति का हिसाब